नमस्कार, मैं रामवीर सिंह, कोच पटना पायरेट्स। जो हमारे प्यारे फैंस हैं, उनकी उम्मीदों पर हम खरा नहीं उतर पाए। जितने भी हमारे फैंस थे, उन्होंने बहुत दिल से हमें सपोर्ट किया, लेकिन हमें उनकी आकांक्षाओं पर हम खरे नहीं उतरे। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इस सीज़न हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वो चाहे प्रदीप के 1000 रेड पॉइंट हों या नीरज का एक मैच में 12 टैकल पूरा करने का रिकॉर्ड हो, और उसके बाद एक के बाद एक 3 मैच हमने लगातार विन किए, लेकिन जो टीम का बैलेंस था, जो परफॉर्मेंस उन्होंने कंटिन्यूटी रखनी थी, वो नहीं रख पाए हैं, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरी दुखी बात यह है कि पिछली बार की तरह भी हम इस बार फिर प्लेऑफ में नहीं जा पाए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने हमेशा हमें हार और जीत में हमेशा एक जैसा साथ दिया है, और यही हमारी ताकत है। आप नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं है। हमने 3 बार, वो भी कंटिन्यू, हिस्ट्री क्रिएट की है। तो ये आपकी टीम है, आप अगर स्ट्रांग हो तो हम स्ट्रांग हैं। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप कभी भी हमारा दिल ना टूटने दें। हम आपको फिर चैंपियन बन के दिखाएंगे, आप हमारे साथ खड़े रहें। हम हमेशा यही उम्मीद रखते हैं कि आप फैन हैं तो हम हैं, और ये सारी टीमें, सारी दुनिया बोलती है कि पटना पायरेट्स के फैन कभी भी टीम की क्रिटिसाइज नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे लिए खड़े रहें, हम आपकी उस पे ज़रूर खड़े उतरेंगे। जय हिंद, जय पटना पायरेट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द पटना पायरेट्स चैनल, एंड नेवर मिस आउट ऑफ एनी पायरेट्स पंथी।